नमस्ते दोस्तों, दिस इज पीवीजे। इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स तो बहुत सारे हैं, बट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स में टॉक मोटर्स तबाही मचाने आ चुका है। और आपको पता है ये लॉन्च होकर बहुत टाइम हो गया, बट जो कड़ा कंपटीशन अभी ये दे रहा है रिवोल्ट आरवी 400 को, तो इसके बारे में जानने की बहुत जरूरत है। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। तो हर डिटेल हम जानने वाले हैं, वीडियो को शुरुआत करते हैं। और यहां पर आपको दिख जाएगा क्रेटोस आर के स्पेसिफिकेशन, बहुत ही तगड़े स्पेसिफिकेशन के साथ ये इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल आ जाता है। पहले तो लुक्स के बारे में बात करूं तो ये चार कलर्स में अवेलेबल है। पहला है रेड कलर जो आपके सामने है, फिर है आपको दिख रहा है ब्लैक कलर, ब्लू कलर और व्हाइट कलर। ये चार तगड़े कलर्स में ये आ जाता है। इसमें दो मॉडल्स हैं, क्रेटोस आर और क्रेटोस, ये दो मॉडल्स हैं। दोनों मॉडल्स के बारे में हम बात करेंगे। पहले टॉक की बात करें तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में मेंशन किया, देखो टॉक जो है इसका बहुत ही तगड़ा 38 न्यूटन मीटर का टॉक इसमें मिल जाता है। सिंगल स्पीड ट्रांसमिशन, ऑफ कोर्स इसमें गियर नहीं होते क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है। और इसमें पीएमएसएम एक्सियल फ्लक्स मोटर है जिसका इफिशियंसी हद से बढ़कर ज्यादा होता है, जो आपको 9 किलोवाट का पीक पावर दे देता है। अगर बैटरी की बात करें तो 4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है। 4 किलोवाट आवर मतलब 4 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को चार्ज करने के लिए 4 यूनिट्स लग जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के। अगर एक यूनिट की कॉस्ट हम हद से ज्यादा बढ़कर 10 रुपए कंसिडर करें तो 40 रुपए में आपका इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल चार्ज हो जाएगा। और वो कितना किलोमीटर चलेगा, हमने तो देख लिया आपने, 180 किलोमीटर आईडीसी रेंज है। तो ट्रू रेंज मिनिमम आपको 150 किलोमीटर का इसमें मिल जाएगा। तबाही है जो रिवोल्ट आरवी 400 है उसको खाली 150 किलोमीटर का आईडीसी रेंज है, मतलब ट्रू रेंज उसका 120 से मैक्सिमम 130 किलोमीटर मिल सकता है। इस व्हीकल का ट्रू रेंज आपको मिल सकता है 150 किलोमीटर। प्राइस के बारे में बात करेंगे बट पहले मोड्स देख लेते हैं। इसमें चार मोड्स मिल जाते हैं आपको, इको, सिटी, स्पोर्ट्स और रिवर्स। अभी बात करें गाइस, जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है टॉप स्पीड, रेंज, चार्जिंग टाइम और फास्ट चार्जिंग में कितना टाइम लगेगा। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि 105 केएमपीएच का इसका टॉप स्पीड है, 180 किलोमीटर का आईडीसी रेंज है, 4 से 5 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाता है। गाइस ये बहुत ही अच्छी बात है। और जब आप इसको फास्ट चार्ज करोगे तो ऐसा बोल रहे हैं कि 80% आपका इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का बैटरी चार्ज हो जाएगा 1 घंटे में। तो और एक प्लस पॉइंट है एज कंपेयर टू रिवोल्ट आरवी 400, 180 किलोमीटर का रेंज, जबरदस्त। ओके, आगे जाते हैं। व्हाट आर द रोड बिल्ड फॉर ऑल कंडीशन। तो ये जो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है गाइस, दिखने के लिए तो जबरदस्त ही है, बट यहां पे आपको दिख रहा है यहां पे फीमेल मॉडल भी उन्होंने कंसिडर किया है। तो शायद अगर आप एक वुमन हो तो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल राइड देगा, ऐसा शायद इनका बोलना है। और बहुत अच्छे खासे लुक्स है। नीचे में आपको यहां पे बैटरी पैक मिल जाता है सिल्वर कलर का, जो दिख रहा है आपको फ्रंट व्हील के पीछे सिल्वर कलर का जो दिख रहा है वो बैटरी पैक है, बहुत ही तगड़ा 4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक इसमें आता है। मतलब ये बैटरी पैक ओला, एथर, सिंपल वन, बजाज चेतक सबसे ज्यादा बड़ा है। सिर्फ टीवीएस आईक्यूब एसटी का बैटरी पैक इससे करीबन क्लोज है, 4 किलोवाट आवर के करीब। ओके, बाकी अगर हम बात करें गाइस मोटर के बारे में, एक्सियल फ्लक्स मोटर है 9 किलोवाट पीक पावर वाला। और ये जो है वो जबरदस्त, आपको कंस्ट्रक्शन अच्छा खासा है, जो रोबस्टनेस है बहुत अच्छा खासा है, इफिशियंसी 96% है, 38 न्यूटन मीटर का टॉर्क इसमें आपको मिल जाएगा। अगर हम दूसरे पैरामीटर्स के बारे में बात करें तो मोटर के पीछे जो होता है वो बैटरी, बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करता है वो मोटर को देता है। यहां पर आपको दिखेगा कंप्लीटली वाटरप्रूफ IP67 रेटेड, क्या बैटरी पैक जो कंप्लीटली सील्ड है एल्यूमिनियम में। और यहां पे हाई एनर्जी डेंसिटी विद ऑप्टिमम कूलिंग। हाई एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट मास, मतलब ये होता है एनर्जी डेंसिटी, हाई एनर्जी डेंसिटी ये प्रोवाइड कर रहा है। मतलब मोस्टली ये जो बैटरी पैक होगा ये एनएमसी केमिस्ट्री का लिथियम आयन का बैटरी पैक होगा। यहां पे मेंशन किया यहां पे कि वाटर प्रूफ है, वेदर प्रूफ है क्योंकि IP67 रेटिंग है। अभी हीरो मोटोकॉर्प ने उनका विडा इलेक्ट्रो स्कूटर लॉन्च किया है, वो तो IP68 है, वो इससे ज्यादा बढ़कर है। आपके दिमाग में क्या आता है, कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल आपको पसंद है, नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना। अगले पॉइंट पे जाएंगे गाइस, यहां पे आपको इसका पूरा नेकेड चासिस दिख रहा है, जबरदस्त इसका फ्रेम है, हाई ड्यूरेबिलिटी है,
ऑप्टिमम सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्लेसमेंट इन्होंने किया है। आपको दिखेगा यहां पे जो सेंटर में सिल्वर कलर दिख रहा है ये एक्चुअली है इनका बैटरी पैक, ये जो दिख रहा है आगे। ओके, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अच्छी तरीके से मैनेज करने की कोशिश इन्होंने की है। आगे जाते हैं, इसमें दो मॉडल्स आ जाते हैं दोस्तों। ये जो आपको सामने दिख रहा है ये है क्रेटोस आर। ओके, दिखने के लिए बहुत ही बेहतर, ये है इसका रेड कलर, ये है ब्लैक कलर, ये है व्हाइट कलर और ये है इसका ब्लू कलर। अगर हम क्रेटोस की बात करें तो कलर्स उसमें सेम है, खाली स्पेसिफिकेशन का डिफरेंस है, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूं। क्रेटोस आर जो है गाइस, क्रेटोस आर जो है उसमें 105 केएमपीएच का टॉप स्पीड है, 9 किलोवाट पीक पावर की मोटर है, 38 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, IP67 रेटेड इसका वाटर रेजिस्टेंस मोटर है और बैटरी भी वैसा ही है, 180 किलोमीटर का रेंज मिल जाता है, इको स्पोर्ट सिटी और रिवर्स मोड इसमें मिल जाता है। और अगर हम सिलेक्ट करते हैं क्रेटोस तो यहां पे दिख जाएगा टॉप स्पीड कम हो गया है, 100 किलोमीटर का टॉप स्पीड है। यहां पे आपको दिखेगा कि रेंज सेम है, रेंज में कुछ डिफरेंस नहीं है, बट सिर्फ टॉप स्पीड और टॉर्क में डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें क्रेटोस आर और क्रेटोस में सेम है, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। अगर हम फुल स्पेक्स पे क्लिक करें तो यहां पे इनका पीडीएफ फाइल खुल जाता है जो आपको डिटेल कंपैरिजन देगा क्रेटोस और क्रेटोस आर के बीच में। ये देखिए रेंज दोनों का आईडीसी रेंज सेम है, 180 किलोमीटर, इको मोड में 120 किलोमीटर है, मतलब ये लगभग ट्रू रेंज होगा, सिटी मोड में 100 किलोमीटर, स्पोर्ट्स मोड में 70 किलोमीटर और अगर हम वारंटी की बात करें तो 40,000 किलोमीटर या 3 साल की वारंटी मिल रही है, मतलब इसमें एनएमसी केमिस्ट्री का बैटरी पैक है। अगर मैं रिवोल्ट आरवी 400 की बात करूं तो उसका एक ही पॉजिटिव पॉइंट है एज कंपेयर टू टॉप मोटर के क्रेटोस कि रिवोल्ट आरवी 400 में आपको एलएफपी केमिस्ट्री का बैटरी मिल जाता है जिसमें आपकी आपको 6 साल की वारंटी या 1 लाख किलोमीटर या आई थिंक 1.5 लाख होगा, 6 साल की वारंटी तो उसमें 100% मिल रही है या 1 लाख किलोमीटर जो ऑलरेडी होगा उसमें वो वारंटी मिल जाएगी। आपको कौन सी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल अच्छी लगती है वो नीचे कमेंट सेक्शन में डालना, उसके ऊपर और कुछ चर्चा करेंगे। यहां पे आप रेटेड पावर की बात करो तो क्रेटोस में आपको 4 किलोवाट की पिक पावर मिल जाती है, क्रेटोस आर में 4.5 किलोवाट की पिक पावर मिल जाती है, सॉरी नॉमिनल पावर, पिक पावर में 7500 है क्रेटोस को और क्रेटोस आर को 9000 की पिक पावर मिल जाती है। दोनों के टॉप स्पीड में भी कंपैरिजन यहां पे मेंशन किया है, बहुत ही डिटेल स्पेसिफिकेशन मेंशन किए। पेलोड जो है 150 किलोग्राम तक आप इसको पेलोड लेके जा सकते हो। ग्रेडेबिलिटी देखिए आप, 14 डिग्री ग्रेडेबिलिटी अवेलेबल है क्रेटोस में, क्रेटोस आर में 16 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी अवेलेबल है। ग्रेडेबिलिटी जो होती है वो डिसाइड करती है कि आप कितना हिल क्लाइंबिंग कर सकते हो। आपके अगर सिटी में बहुत सारे फ्लाईओवर्स है या आप घाट्स में रहते हो, आपको हिमाचल प्रदेश जैसे सिटी में आप रहते हो, शहर में आप रहते हो या उसके अलग अलग गांव में रहते हो जिसमें आपको माउंटेन्स चढ़ने पड़ते हैं या एलिवेशन चढ़ने पड़ते हैं, तो वहां पे ग्रेडेबिलिटी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहां पे 16 डिग्री का ग्रेडेबिलिटी आपको क्रेटोस आर में मिल रहा है। अगर हम बात करें ऑफ बोर्ड चार्जर की तो 750 वाट का ऑफ बोर्ड चार्जर मिल जाता है, उसमें 4-5 आवर्स में आपका इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा। और जो फास्ट चार्जिंग की कैपेबिलिटी है वो क्रेटोस आर में है, खाली 80% आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर का इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बैटरी चार्ज हो जाएगा केवल 60 मिनट्स में। और इसमें आपको दिख जाएगा कि जो चार्जिंग नेटवर्क एक्सेस है वो 2 साल के लिए फ्री है क्रेटोस आर में। तो बहुत ही तगड़ा इन्होंने बात की है एज कंपेयर टू रिवोल्ट आरवी 400। अभी तक वीडियो देखा है तो गाइस प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे बढ़ेंगे और अभी हम जानने वाले हैं इसके प्राइस के बारे में। चलिए फिर से वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, जानते हैं इनकी प्राइस क्या है। लेट्स सी व्हाट्स द प्राइस ऑफ क्रेटोस आर एंड क्रेटोस। चलिए नीचे जाते हैं, लेट्स सी क्या है प्राइस, क्योंकि प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेट्स सी यहां पे है प्राइसिंग। Let's jump on to pricing. I want to see भाई क्या हो गया इसको pricing को। Let's see pricing load नहीं हो रहा क्या भाई? Okay, pricing में कुछ तो भी problem है I guess. But pricing की बात करूं guys, तो ये जो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है दोनों आपको 1.5 लाख के नीचे मिल जाते हैं। क्रेटोस आर जो है वो करीबन 1,37,000 को है और जो क्रेटोस है वो करीबन आपको मिल जाती है लगभग 1,25,000 तक। देखते हैं इसके बारे में और क्या चीजें अवेलेबल है। जैसे यहां पे मेंशन किया है एक्सपीरियंस द स्पीड, मतलब ये हर स्पेसिफिकेशन डिटेल एक्सप्लेन किया है। यहां पे स्पीडोमीटर दिखाया है, फ्रंट एलईडी हेडलैम्प है, यहां पे आपको दिख जाएगा कि जो बैटरी पैक है वो फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी के साथ आता है। यह है वाटर प्रूफ वेदर प्रूफ बैटरी पैक, यहां पर आपको दिख जाएगा 38 न्यूटन मीटर वाली, यहां पे आपको एक्सल फ्लक्स मोटर मिल रही है, पीएमएसएम मोटर है, 3 साल की वारंटी मिल रही है, पीछे आपको डिस्क ब्रेक मिल रहा है और 180 किलोमीटर का इसमें रेंज मिल रहा है, जो आईडीसी है ट्रू रेंज शायद आपको 150 किलोमीटर का ही मिलेगा। लेट्स सी
अभी प्राइसिंग की क्या बात है, ओके प्राइसिंग लोड नहीं हो रहा, हम दूसरा टैब खोलेंगे, यहां पे डालेंगे प्राइस ऑफ क्रेटोस आर, लेट्स सी। ओके तो यहां पे आपको दिख जाएगा बहुत सारे वेबसाइट पे इनकी प्राइसिंग मेंशन की है, जैसे यहां पे bikedekho.com पे जाओगे तो आपको कुछ प्राइसिंग मिलेगा। अगर हम जाए फाइनेंशियल एक्सप्रेस पे तो यहां पे भी हमें अच्छे खासे प्राइसिंग के बारे में बात पता चल जाएगी। गाइस दीपावली शुरू हो चुकी है, आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। यहां पे क्रेटोस आर का प्राइस 1,37,000 जो मैंने आपको बोला था, अगर हमें क्रेटोस का प्राइस चाहिए तो वी हैव टू चेक द प्राइस ऑफ क्रेटोस आल्सो, लेट्स सी। 1,37,000 है क्रेटोस आर का, क्रेटोस का है करीबन 1,22,000। तो गाइस ये था डिटेल वीडियो अबाउट टॉक मोटर्स की क्रेटोस, आपको कैसा लगा है वीडियो जरूर बोलना, आपको कुछ भी कमेंट्स है, सजेशंस है, क्वेरीज है नीचे चैट सेक्शन में डालना, कमेंट सेक्शन में डालना, मैं जरूर उसका रिप्लाई आपको करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।